हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लोग जेबर एयरपोर्ट का प्रीव्यू देखेंगे। जेबर एयरपोर्ट जिसका ऑफिशियल नेम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में जेबर विलेज में बन रहा है। यह एयरपोर्ट 6 रनवे का होगा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा तथा वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। अभी इंडिया का सबसे लंबा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि 3 रनवे का है। जेबर एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यह एयरपोर्ट यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और ज्यूरिख एजी द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जाएगा। यह एयरपोर्ट 5100 हेक्टेयर पर बनेगी, जिसमें 240 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का और रेस्ट लैंड प्राइवेट आइडेंटिटी से एक्वायर किया गया है। फर्स्ट स्टेज में 1327 हेक्टेयर का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग्स और रनवे बनाया जाएगा और फर्स्ट स्टेज का अनुमानित टाइम 2023 तक रखा गया है। 2040 तक पूरा 6 रनवे का एयरपोर्ट तैयार कर लिया जाएगा। जनवरी 2020 में टोटल 5000 हेक्टेयर का जमीन एक्वायर कर लिया गया है और मई 2020 में 760 मीटर का रोड कनेक्टिविटी बनाया गया है, जो कि जेबर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करता है। अक्टूबर 2020 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिख एजी के बीच फाइनल एग्रीमेंट पर साइन किया गया। फेब 2021 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अप्रूव्ड कर दिया गया। इस एयरपोर्ट का अनुमानित लागत 27,000 करोड़ तक होगा। इस प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन सितंबर 2021 से स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 5,000 करोड़ तक खर्च किया जाएगा। पहले चरण पूरा होने के बाद इस एयरपोर्ट का सालाना कैपेसिटी 1,20,00,000 यात्री का होगा और 2040 तक सभी चरण पूरा होने के बाद इस एयरपोर्ट का कैपेसिटी 7 करोड़ यात्री सालाना हो जाएगी। एयरपोर्ट के साथ साथ आसपास के इलाके में सिटी सेंटर और बिजनेस सेंटर भी बनाया जाएगा और इसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मेट्रो कनेक्टिविटी दी जाएगी।